कबूतर कबूतर जा तो ठीक है, लेकिन कबूतर को पता कैसे चलता है कि जाना कहाँ है। आपने भी एक गाना जरूर देखा होगा जिसमें नायिका कबूतर के पैरों पे खत बांध कर उसे उड़ाती है और ये लाइनें गुनगुनाती है। कई फिल्मों में ऐसे दृश्य देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर चिट्ठी और कबूतर साधन तक पहुंचाएंगे कैसे। वैसे चुटकी लेते हुए यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि अगर कबूतर महाशय ने चिट्ठी साधन को जगह उनके पापा को डिलीवरी कर दी तो क्या होगा। खैर, इश्क में रिस्क तो उठाने ही पड़ते हैं। इसलिए इस बात को हम और आप किनारे रख सकते हैं और बात करते हैं कि उन कबूतरों की जो सदियों तक न सिर्फ प्रेम में बल्कि राजनीति, कूटनीति और युद्ध में भी विश्वसनीय संदेश वाहक बने रहे हैं। कबूतरों से पहले के संदेश भेजने के तरीकों पर गौर करें तो हड़कारों या घुड़सवारों के जरिए संदेश एक से दूसरी जगह भेजे जाते थे। इन तरीकों में बहुत समय लगने के साथ साथ और भी कई मुश्किलें सामने आती थी, जैसे सबसे पहले ये परखना कि संदेश वाहक वफादार है या नहीं, फिर रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार भी बन सकता था, साथ ही कभी संदेश गुम भी हो सकता था। इन सब वजहों से एक के ऐसे माध्यम की जरूरत थी तो तेज और होने के साथ साथ भरोसेमंद भी हो। करीब 3000 साल पहले यह तलाश होमिंग पिजन्स यानी हमेशा घर वापस लौटने वाले कबूतरों पर ख़त्म हुई। अध्ययन कर रहे जानकारों ने पाया कि कबूतरों की दिशा का ज्ञान बाकी पक्षियों के तुलना में ज़्यादा होता है। उन्हें किसी भी दिशा और कितनी भी दूर छोड़ दिया जाए वो हमेशा अपने घर की तरफ यात्रा करते हैं और घोंसले पर पहुंच ही जाते हैं। कबूतरों की यह खूबी उन्हें संदेश भेजने के लिए उपयोगी बनाती थी। इन्हें पकड़ना और पालना भी अपेक्षाकृत आसान था और ये सबसे तेज गति से संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते थे। असल में हर किस्म का कबूतर इंसानों की तरह कुछ संकेतों जैसे कोई प्राकृतिक लैंडमार्क की मदद से अपना रास्ता याद रखने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा चिट्ठी पहुंचाने में कुशल कबूतरों होमिंग पिजन या रॉक पिजन पाख्ता में रास्तों को समझने के लिए खास मैग्नेटोरिसेप्शन स्किल पक्षियों में पाया जाने वाला यह विशेष गुण है जिसके कारण उन्हें इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि वे पृथ्वी के किस मैग्नेटिक फील्ड में हैं। यह गुण पक्षियों की उनकी स्थिति का सही पता लगाने में मदद करता है।